गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर वन, साइट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में आज हम कवर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स, जहाँ जियोफिजिकल मेथड्स के टॉपिक्स हैं। जियोफिजिकल मेथड फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिस्मिक मेथड एंड सिस्टिविटी मेथड। तो आज हम बात करेंगे सिस्मिक मेथड की, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे जियोफिजिकल मेथड्स की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आता है, नंबर ऑफ जियोफिजिकल मेथड्स आर यूज इन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सब सरफेस स्ट्राटा। जियोफिजिकल के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं सब सरफेस स्ट्राटा की। तो जहाँ पर हमने लिखा है जो सब सरफेस स्ट्राटा, इसका मतलब ये है कि अंडरग्राउंड में जो सॉइल की लेयर्स पाई जाती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जियोफिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। द मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्राटा। जियोफिजिकल मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्राटा की लोकेशन को इजीली फाउंड कर सकते हैं कि जो स्ट्राटा है, जो सॉइल लेयर है अंडरग्राउंड लाई करते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे, उसकी डेप्थ क्या रहेगी। एंड फॉर रैपिड इवेल्युएशन ऑफ सब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक को हम जल्दी इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस मेथड आर वेरी अप्रोक्सीमेट, ये जो मेथड हमारे पास काफ़ी अप्रोक्सीमेट मेथड है। फॉर डिटेल एंड रिलायबल इन्वेस्टिगेशन, मेथड ऑफ ड्राइविंग ए होल, टेकिंग सैंपल एंड टेस्टिंग इन इट ए लेबॉरटरी। अगर हमने डिटेल स्टडी करनी है, जहाँ हमें डिटेल स्टडी और इजी तरीके से अगर काम करना है हमें, और हमें काम अच्छे 100% सही चाहिए, तो उसके लिए बोर होल मेथड काफ़ी सूटेबल रहता है। बोर होल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सैंपल लेके लेबॉरटरी में इजली टेस्टिंग उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्मिक मेथड। द सिस्मिक मेथड्स आर यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलास्टिक शॉक वेव है डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मटेरियल। जो हमारा सिस्मिक मेथड होता है, जे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जे इलास्टिक शॉक वेव के प्रिंसिपल पे काम करता है, हैव डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मटेरियल। तो हमारी शॉक वेव्स की डिफरेंट वेलोसिटी होगी डिफरेंट मटेरियल में। मान लो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल है, लूज सॉइल है, वाटर है और रॉक है। तो जो वाटर की वेलोसिटी रहेगी सबसे ज़्यादा किसमें रहेगी, सॉइल और लिक्विड में। बट इन केस जब वो हार्ड सॉइल पे या हार्ड रॉक पे स्ट्राइक करेगी, तो वो क्या करेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सेकेंड है, एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, वेव गेट पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड। डायग्राम में देखते हैं एक बार हम यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे जो वन लेयर है, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, तो ये क्या है, इंटरफेस है। वन लेयर और सेकेंड लेयर का ये क्या है, इंटरफेस है। ऐसे सेकंड लेयर और थर्ड लेयर का ये क्या है, इंटरफेस है। जहाँ पे जब जहाँ से शॉक वेव आएगी और जब जहाँ पे इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो इससे क्या होगा, जो वेव कुछ अमाउंट में जहाँ से बैक कर जाएगी, बैक आ जाएगी ग्राउंड सरफेस की तरफ, और कुछ अमाउंट जहाँ के बीच में पेनिट्रेट कर जाएगी अपना एंगल चेंज करके। सिस्मिक मेथड ऑफ सब सरफेस एक्सप्लोरेशन जनरली यूटिलाइज द रिफ्रैक्टेड वेव्स। सिस्मिक मेथड हमारा सब सरफेस सॉइल को एक्सप्लोर करने के लिए, वो डिपेंड करता हमारा रिफ्रैक्टेड वेव्स के ऊपर। द शॉक वेव्स इज क्रिएटेड बाई ए हैमर ब्लो आर बाई ए स्मॉल एक्सप्लोजिव एट पॉइंट पी एज शोन इन फिगर। हम फिर फिगर चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे हमने क्या करना है, शॉक वेव क्रिएट्स करनी है, चाहे वो हैमर ब्लो से करें, चाहे वो हम जहाँ पे कोई स्मॉल एक्सप्लोजिव करें। यहाँ पे द शॉक वेव्स ट्रैवल थ्रू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल और रॉक विद वेलोसिटी वी वन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल इन लेयर वन। तो जो हमारी शॉक वेव ट्रैवल करेगी लेयर वन पे, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करते हैं कि लेयर वन में कैसा मटेरियल है, हार्ड है, लूज है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट अराइवल ऑफ द वेव्स इज रिकॉर्डेड बाय जियोफोन्स। जो ऑब्जर्वेशन है हमारी फर्स्ट वेव्स की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा जियोफोन्स में, और जियोफोन्स हमने वेरियस पॉइंट पे लोकेट किए हैं ए बी और सी में। ये रहा हमारे जियोफोन ए बी और सी में। अब जियोफोन्स क्या होते हैं, द जियोफोन्स कन्वर्ट ग्राउंड वाइब्रेशन इंटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड ट्रांसमिट
देम टू ए रिकॉर्डिंग अपरेटस। जियो फोन्स क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाइब्रेशन होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देती हैं रिकॉर्डिंग अपरेटस में, जो हमने जहाँ पे रिकॉर्डिंग अपरेटस जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे फिगर में दिखाया नहीं गया, लेकिन जहाँ पे रिकॉर्डिंग अपरेटस क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट, ये अज्यूम किया गया कि जो वेलोसिटी 3 है, जो थर्ड लेयर में वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी वेलोसिटी 2 से, जो सेकंड लेयर में वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी 1 कम होगी किससे, V2 से, इन फिगर एज शोन इन फिगर। एट जियो फोन्स लोकेट क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, और जियो फोन्स हमने पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के पास लगाए हुए हैं, जैसे जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है और जो जियो फोन्स हैं ए बी और सी हमारे क्या हैं, जियो फोन्स हैं। तो ये सबसे पहले पॉइंट कौन सा जियो फोन के पास, ए, उसके बाद कौन सा है, बी, उसके बाद कौन सा है, सी। द जियो फोन्स लोकेटेड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सच एज पॉइंट ए, द डायरेक्ट वेव्स विद वेलोसिटी वन रीच फर्स्ट, और पॉइंट ए पे डायरेक्ट वेव जो होगी वो जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है, V1 पे। एट पॉइंट विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ऐसा पॉइंट जो इम्पैक्ट पॉइंट से दूर लोकेट किया गया है, सच एज पॉइंट बी, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कौन सा पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। द रिफ्रैक्टेड वेव्स ईच अर्लियर रीच अर्लियर देन डायरेक्ट वेव्स, तो पॉइंट बी पे रिफ्रैक्टेड वेव्स जो वेव रिफ्रैक्ट होकर आएगी वो जल्दी पहुंच जाएगी एज कम्पेयर टू इट्स डायरेक्ट वेव्स, क्योंकि जो रिफ्रैक्ट करेगी वेव, जो वेव हार्ड रॉक पे रिफ्रैक्ट करके बैक आएगी तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो वो जल्दी ट्रेवल करेगी और जल्दी पहुंच जाएंगी एट पॉइंट बी पे एज कम्पेयर टू डायरेक्ट वेव्स। दीज वेव्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, हाँ ये वेव स्टार्ट होंगे पॉइंट पी से, क्योंकि वहाँ पे हमने इम्पैक्ट पॉइंट रखा है। ट्रैवल विद वेलोसिटी V1 और ट्रैवल करेगी वेलोसिटी V1 के साथ इन अपर लेयर, अपर लेयर में वेलोसिटी V1 ही लाई करती है जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। गेट रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे जाके वो कर जाएगी रिफ्रैक्ट कर जाएगी। इंटरफेस कहते हैं सेपरेशन कंपोनेंट, इंटरफेस का मतलब हो गया कि जो दो लेयर्स को आपस में सेपरेट करता है, वहाँ पर जाके वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, मूव विद मच हायर वेलोसिटी V2, और V2 में मतलब लेयर 2 में उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी सेकंड लेयर में। इमर्ज अगेन एट इंटरफेस, और दोबारा इमर्ज करेगी इंटरफेस एंड ट्रैवल बैक टू द ग्राउंड सरफेस, इससे क्या होगा, वो वापस रिटर्न आ जाएगी ग्राउंड सरफेस पे, और जब वो ग्राउंड सरफेस पे रिटर्न आएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना अपर लेयर में। एट पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, एक और पॉइंट है जो हमारा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से दूर रखा हुआ है, वो कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। द वेव विच आर रिफ्रैक्टेड ट्वाइस, सी पॉइंट में क्या करेगा, वेव्स ट्वाइस रिफ्रैक्ट करेगी, जहाँ पे देखिए डायग्राम में, जैसे एक बार रिफ्रैक्ट जहाँ पे लेयर 1 में कर रही है, लेयर 2 में दो बार रिफ्रैक्ट कर रही है, ट्वाइस रिफ्रैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। द वेव्स विच आर रिफ्रैक्टेड ट्वाइस वंस द इंटरफेस ऑफ लेयर 1 एंड 2, जैसे हमने शो किया है डायग्राम में, एट वंस द इंटरफेस ऑफ लेयर 1, एट द इंटरफेस ऑफ लेयर 2nd एंड 3rd ईच अर्लियर। ये देखिए जहाँ पे जो फिगर दिखाई हुई है सीसिंग मेथड्स की, ये हमारे पास आ रही है यहाँ पे ग्राउंड सरफेस आ रही है, और ये हमारा लेयर 1 आ रहा है, लेयर 1 में लूज साइल आ रही है, लेयर 2 में अजम्पशन ले लो हम वाटर आ रहा है, और लेयर 3rd में आ रहा है हमारे पास हार्ड रॉक आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है इम्पैक्ट पॉइंट, जहाँ से हमने क्या करना है, शॉक वेव्स जहाँ हैमर भी लो जहाँ कोई एक्सप्लोजन करना है, जिससे वेव क्रिएट होंगे और वो वेव ट्रैवल करेंगे ऐसे लेयर 1 में, लेयर 2 में और लेयर 3rd में। कुछ वेव्स इससे लेयर 1 से स्ट्राइक करके रिटर्न बैक हो जाएंगी, कुछ रिफ्रैक्ट करके इसमें से पास कर जाएंगी, और ये X1, X0, X1, X2 जो हमारे पास क्या है, जियो फोन्स है, ये क्या है, लोकेशन है ए बी और सी। जे ऐसे वेलोसिटी 1 है जहाँ से रिफ्रैक्ट होकर वापस आ रही है बी पे, ऐसे सी पे आ रही है, ठीक है। और जे क्या है हमारे पास, डिस्टेंस मतलब डेप्थ ऑफ लेयर 1 H1 से डिनोट की है, डेप्थ ऑफ लेयर 2 H2 से डिनोट की है, और डेप्थ ऑफ लेयर 3 इज डिनोटेड बाई H3। अब हमने जब डेप्थ कैलकुलेट करनी है H2 निकालना है, तो H2 निकालना फार्मूला क्या होता है, 0.85 इंटू H1 प्लस X2 अपॉन 2 अंडर रूट V3 माइनस V2 अपॉन V3 प्लस V2। लेकिन H2 निकालने से पहले हमें H1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो H2 हाइट 1 इन लेयर 1, तो वह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, X1 अपॉन 2 अंडर रूट V² माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1। ये हमें डायग्राम दिखाई हुई फिर से,
जैसे वेलोसिटी, जैसे इसमें सैचुरेटेड सॉइल भी वेलोसिटी रहती है 1000 मीटर पर सेकेंड, V2 रहती है वाटर में रहेगी आपकी 5000 मीटर पर सेकेंड, और V3 में रहती है 15000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे डिटेक्टर मतलब जियो फोन्स आ गए, जो एनर्जी ऑफ सोर्सेस आ गए। अब आता है हमारे पास वेलोसिटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राटा, कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राटा में वेलोसिटी क्या रहती है शॉक वेव्स की, टाइप ऑफ रॉक एंड सॉइल। पहला आता है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट में जो वेलोसिटी रहती है 4000 से लेकर 6000 मीटर पर सेकेंड। सैंडस्टोन में जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी 1500 से लेके 3000 मीटर पर सेकेंड। शेल में रहेगी 1300 से लेके 3000 मीटर पर सेकेंड। हार्ड क्ले में रहती है 600 से लेके 1500 मीटर पर सेकेंड। लूज ग्रेवल में रहती है 500 से लेके 1000 मीटर पर सेकेंड। लूज सैंड वेट में रहती है 500 से लेके 1500 मीटर पर सेकेंड। और लूज सैंड एंड ड्राई, लूज सैंड है बट ड्राई फॉर्म है, तो वहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी रहती है वो रहती है 250 से लेके 600 मीटर पर सेकेंड। अब आती हैं सिस्मिक मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या आती है, कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ हार्डर सरफेस ओवरलाइज सॉफ्ट लेयर। सिस्मिक मेथड का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाएगा जहाँ पे हार्ड सरफेस ऊपर होगी और नीचे कौन सी सरफेस होगी, सॉफ्ट सरफेस आएगी नीचे, तो वहाँ पे इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एरिया कवर्ड बाई कंक्रीट और एस्फेल्टिक पेमेंट्स। जो एरिया कंक्रीट से कवर किया होगा जहाँ पेमेंट उस पर लगाई होगी तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन सरफेस इज फ्रोजन। अगर वहाँ से कोई सरफेस है जिस पे हमें टेस्ट करना है, अगर उस पर बर्फ़ जमी हुई है, स्नोफॉल हुआ है, तो वहाँ पे इस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिक्वायर्स कॉस्टली इक्विपमेंट्स, इसके लिए जो इक्विपमेंट्स है काफ़ी कॉस्टली आते हैं। एक्सपर्ट्स इज रिक्वायर्ड, इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स की जरूरत रहती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक इंडक्ट मेथड का जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।